दूल्हे का मुंह लाल होता है। मेहंदी लगाने से दुल्हन के हाथ लाल होती है। अगर दोनों का रंग गहरा हो तो समझो कि दोनों में बहुत प्यार है और तुम्हारी तो शादी हो रही है। तो हमेशा ऐसी बात करती है, पहले तेरी ही शादी करवा दे। अरे दुल्हनिया के पास सहेलियों की भीड़ है। हाय, एक्सक्यूज मी, मैं कौन हूँ याद आया? क्रिकेट बॉल, नाक से खून। कल्याण भैया कब आए? अभी आया हूँ। मम्मी पापा नहीं आए क्या? नहीं यार, तुम्हारी शादी के दिन आएंगे। अच्छा, अरे ये क्या, तुम्हारी उंगलियों में गोबर भरी है? ए, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं ऐसे ही बहन से मजाक कर रहा हूँ। ओके, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, हनी, मुन्नी, सोनी, ये विजी। ये क्या, तुम तो होने वाले बच्चियों के नाम ले रही हो। बच्चे हो गए मुझको। हाय, नमस्ते। मैं तो तुम्हारे भाई को कुछ और समझ रही थी, ये तो बड़ा स्लो है। सुनो, ये सबके नाम बिलो एवरेज है, लेकिन ये लड़की का नाम विजी, ये तो बज्जी मिर्ची बज्जी की तरह है। हेलो, मजाक करने के लिए अमेरिका का एक्सपीरियंस है ये क्या? मजाक करने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं। खैर छोड़ो, ये क्या मेहंदी ऐसा बनाती हो? मेहंदी बनाना ऐसा नहीं, अगर ये अमेरिका होता तो कैसे बनाते हैं ये मैं बताता हूँ। रुको, अब अमेरिका वाले मेहंदी लगाएंगे, चलो हम चलते हैं। चलो, अब बता जीजा कैसा होगा? ऐसा होगा क्या? ये तुम्हारी पत्नी है। ये मेरी पत्नी नहीं, जीजा ही है। आ रहा हूँ चाचा जी, क्या है, पूछ कर आता हूँ। हाँ ठीक है। हाय, हाय भवानी, अमेरिका से कब आई? आजा आजा, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। चुप कर यार, अगर मैं नहीं आती तो तू मुझे जीने देती? मैं अगले महीने आने वाली थी, लेकिन जब तेरी शादी का सुना तो मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो मैं अमेरिका ही आने वाली थी। अच्छा, लड़का कैसा है? कौन लड़का? अरे तेरे दूल्हे की बात कर रही हूँ। वो तो राम के जैसा है। आंटी, कैसी है आप आंटी? अरे भवानी, तुम कब आई, कैसी हो? खुद ही देख के बताइए कैसी दिख रही हूँ मैं। अब तो बड़ी हो गई है। शादी का लड्डू कब खिला रही है? अभी चाहिए तो अभी खिला देती हूँ, लेकिन शादी का लड्डू खाने के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। इसी शादी में तुम भी एक लड़का ढूंढ लो। आपको तकलीफ होगी, आप ही लड़का ढूंढ कर दे दीजिए ना आंटी। चल साड़ी देखते हैं, साड़ी वाला आया है। छिछी, मैं नहीं जाती साड़ी पहनने, तू जाकर देख ले। बहुत मस्ती करती है। अरे ये क्या, तुम्हारे गुरु तो आकाश में देख रहे हैं। आकाश को बेचेगा क्या? क्यों, तो खरीदेगा क्या? अगर बारिश होगी ना तो खरीद लूंगा। अभी मेरा गुरु मैजिक करेगा, देखो। ये क्या, पीसी सरकार है? नहीं, एमसी फरार। वो कौन है? ये है मेरा गुरु। अरे हमारे मैजिक के लिए कॉर्नर बराबर का कट होगा ना? ये बता अभी क्या मैजिक करेगा? तुम्हारी आँखें ना देख लो। ओहो, तुम तो LTT हो ना? LTTT का क्या मतलब? मतलब लुकिंग लंदन टॉकिंग इजिप्ट। तो मैं अपना पर्स फेंकूं क्या? फेंको। पर्स फेंकने का ये कौन सा नया मैजिक है? वो वापस नहीं गिरेगा। हाँ। ये है मैजिक। ओहो, हाँ। तो फेंको, हम देखेंगे। तेंदुलकर, गैजेट 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 गैजेट। अरे पर्स, पर्स गायब हो गया, पर्स गायब हो गया। वापस फेंको। थैंक यू तेंदुलकर। देखा मेरे गुरुजी ने कैसा मैजिक कर दिया। गुरुजी, मैजिक कमाल का था। पता नहीं इसमें सर्कस है क्या? आंखें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? चुप हो जा। हम भरोसा नहीं करेंगे, ये तो धोखेबाज है यार। पहले काम करो, हमारी पर्स को ऊपर फेंक कर दिखाओ, तब मानेंगे। नहीं जी, आप फील करेंगे। देखा, इसकी चोरी पकड़ी गई। पास करो, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो पर्स इधर लाओ। और किसी को विश्वास नहीं है तो अपना पर्स दे दो, जल्दी दो। दो, सब लोग, सब लोग दो, दे दो, दे दो, दो। ठीक है, हमने भरोसा कर लिया, पर अब हमारा पर्स दे दो। तुम्हारा पर्स है ना, तुमको ताली बजाओ। अब ताली बजाएंगे तो आएगा क्या? देखा, मैंने सारे पर्स कैच कर लिए। हाँ, बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर तू इंडियन क्रिकेट टीम में होता ना तो सारा कैच पकड़ कर सारा उधार चुका देता अभी तक। ये लो 1 रुपया, पूरे महीने भर पार्टी करो, एंजॉय। हेलो, यस, कौन? भवानी? जस्ट अ मिनट। ओके, ए छोटू, भवानी का फोन आया, बुला के लाओ। सो मैं अभी भवानी से मिलूंगा।
हेलो दादाजी, मैं कल्याण। बोलो बेटा। दादाजी आप सिलेक्ट किए वो लड़की? हाँ, मैं उसी की बात करना चाहता हूँ बेटा। तुम्हारी शादी की बात से हम जल्दबाजी कर दिए लगता है, क्योंकि शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए, लेकिन बड़ों की जबरदस्ती से होना भी नहीं चाहिए। और फिर तुम तो अमेरिका से पढ़े लिखे लड़के हो, तुम्हें भी अपनी सोच चाहत सब होती है ना, ये सब ध्यान देना पड़ रहा है बेटा। तुम भवानी को भूल जाओ। ए, ए, दादा जी, स्टॉप इट। अभी ना, मैंने अभी अभी उस लड़की को देखा था, वो तो सुपर है, मुझे पसंद है। मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। यस दादाजी, मेरी जिंदगी के मामले में आप गलत ना सोचेंगे, ये मुझे पता है। भवानी तुम्हें पसंद आएगी, ये मुझे पता ही था। ओके दादाजी, आप पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकालिए और मैं यहाँ भवानी के पीछे प्रोसीड करता हूँ। ओके। आई एम कल्याण। आप हाथ नहीं मिलाएंगे? कीप इट अप। वाओ, ब्यूटीफुल आइज, वेरी नाइस। चलो निकलो, मौसी लड्डू बना रही है, जाके खा लो। वो आप जैसे छोटे बच्चे खाते हैं, हमारी रेंज तो अलग है। वाओ, व्हाट अ स्माइल, देखते ही प्यार बढ़ गया। अरे बाबा, एंगड़ी में भी जैंगड़ी लगती हो। दीदी ये पागल है क्या? ए, दिखने में तो पागल ही लग रहा है। हाँ जी, प्यार में पागल। खूबसूरत लड़की को देखने के बाद जवान लड़के को होने वाला फीलिंग। अरे बाबा, मैं ज्यादा देर देखा तो प्यार में पड़ जाऊंगा लग रहा है, उसके बाद शादी भी कर लूंगा और उसके बाद। बस बस, बहुत हो गया, मैनर्स नहीं है क्या? दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, कैसे बात करते हैं पता नहीं है क्या? इडियट। हेलो, लव स्टोरी को टीवी सीरियल की तरह लंबी खींचनी नहीं चाहिए, एक ही एपिसोड में खत्म करना चाहिए। चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह रहना चाहिए, सीनियर आर्टिस्ट की तरह सलामत देना। आउट आउट। बैड टाइम।